तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं OTP का वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, लेकिन OTP है कि आ ही नहीं रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो सिम है यहाँ पर मैंने नंबर डाला है वो मेरे इसी मोबाइल में है, लेकिन OTP आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपके साथ भी यही दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको लाइव इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस कि आप अपना व्हाट्सएप अपने फ़ोन में खोल पाओगे। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपने पहले ही अपना बहुत सारा वक्त इस चीज़ पर वेस्ट कर दिया है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जो जो चीज़ें मैं अपने फ़ोन में कर रहा हूँ ना उन्हें आपको सेम टू सेम अपने फ़ोन में भी कर लेना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक भी स्टेप मिस मत करना, एक भी चीज़ मिस मत करना, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपने व्हाट्सएप के अंदर आ चुका हूँ और गाइस ध्यान रहे कि आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर 91 होना चाहिए और फिर इसके आगे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने अपना नंबर फिलअप कर दिया है, फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर ही मेन प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास OTP आ ही नहीं रहा है, हालांकि ये नंबर वाली सिम मेरे इसी मोबाइल के अंदर है गाइस। और अगर आप बार बार रिसेंट SMS के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने टाइमर आ जाएगा कि आप इतने इतने टाइम बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा, कितने तीन तरीके बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपको उन तीनों तरीकों को अपने फ़ोन में ट्राई करना है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगी। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई भी OTP या फिर मैसेज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल मी का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके इस नंबर पर एक कॉल आएगा जिसमें कि आपको अपना OTP नंबर दे दिया जाएगा और वही OTP आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब अगर ये भी ट्रिक आपके फ़ोन में काम नहीं करती है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको कोई भी एक दूसरा मोबाइल ले लेना है अपने किसी फैमिली मेम्बर का या फिर अपने दोस्त का, और उस मोबाइल से आपको अपने इस नंबर पर जो कि आपने अपने फ़ोन में डाला है इस पर मैसेज करना है, हाय हेलो कुछ भी, और देखना है कि वो मैसेज आपके इस नंबर पर आया है या फिर नहीं। व्हाट्सएप वाला नहीं, हम जो नॉर्मल मैसेज यूज़ करते हैं ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आपको अपने फ़ोन पर मैसेज करना है। अगर मैसेज नहीं आता है तो इसका एक ही मतलब है कि आपके इस नंबर पर रिचार्ज ख़त्म हो गया है, इसी वजह से आप कोई भी SMS या फिर कॉल अपने इस नंबर पर नहीं ले पा रहे हो। तो सिंपल है, आपको अपने इस नंबर पर 50 या फिर 100 रुपीज़ का रिचार्ज कर देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को 10 out of रेट करना है कमेंट बॉक्स में। आप चाहे जितने पॉइंट्स इस वीडियो को दे सकते हैं, आप चाहे तो 10 out of 8 दे सकते हैं, 10 out of 9 दे सकते हैं, और अगर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो आप इस वीडियो को 10 out of 10 भी दे सकते हैं। तो यार प्लीज़ इतना काम कर लेना है मेरे लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को रेट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। सो लेट इट बी, आप सभी के लिए आखिरी ट्रिक कि अगर आपने देखा कि हाँ मेरी सिम के अंदर रिचार्ज है, मैसेज आ भी रहा है और मैं कर भी सकता हूँ, तो आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपको फिर से उसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। और साथ ही गाइस आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर देना है। आई होप मैंने जितने भी तरीके इस वीडियो में बताए हैं उनमें से एक भी तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।